Hello everyone, my name is Vinay Joshi and today I will be discussing how one should prepare for allied examination. When I say how one should prepare for allied examination, I will be covering up various set of questions which come up into the mind of an aspirant when he or she start preparing for the allied examination or ya kabhi humne aisa soch bhi liya hai ki hume is exam ki taiyari karni hai, graduation ho gayi, post graduation ho gayi. अब हमें लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब में एचएस है, नायब तहसीलदार है, अलाइड एग्जामिनेशन है, इनको किस प्रकार से परस्यू किया जाए. तो आज का जो विषय रहेगा वो है कि अलाइड एग्जामिनेशन के अराउंड जो भी सवाल हमारे मन में आते हैं उन सबको ही मैं डिस्कस करूंगा. सेकेंडली, इस वीडियो की सीरीज में आगे भी दो तीन वीडियोज आएंगे जिसमें अलाइड के ऊपर ही और डिटेल में चिंतन और डिस्कशन किया जाएगा. ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मेरे मन में जो एज अ एस्पिरेंट, जब मैंने सोचा कि एक एस्पिरेंट कभी तैयारी करना स्टार्ट करेगा तो उसके मन में क्या क्या सवाल पैदा होंगे, तो वो सवाल मैंने चार अलग अलग विषयों पे लिख दिए हैं. ये विषय है कि अलाइड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार प्रीलिम्स होता है, किस प्रकार मेंस होता है. जनरली हमारे मन में केवल यही सवाल आता है कि इस पेपर में क्या पूछा जाता है. जो थोड़ा और सीरियस और शार्प स्टूडेंट है उसके मन में आता है कि पेपर का तो पता चल गया कि भाई प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कमीशन की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी है, मेरे को किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अब इसके अंदर भी डिटेल एनालिसिस क्या होता है, प्रीलिम्स में से अलग अलग एरियाज में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, मेन्स एग्जामिनेशन के अंदर अगर अलग अलग एरियाज हैं जो कि पूछे जाते हैं तो उनका क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस पर्टिकुलर एरिया से कितने सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. यहाँ पे तकरीबन 45 से 50,000 बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे. सीट्स हमारे पास लास्ट ईयर जो सीट्स थी 2020 में वो थी 110 के तक करीब. तो मींस कि 45,000 50,000 विद्यार्थियों में से 110 विद्यार्थी हैं जिनको जॉब मिलेगा. कमीशन ने बोला कि 110 विद्यार्थी के लिए अगर नौकरियां हैं तो इंटू 20 टाइम्स हम विद्यार्थियों को मेन्स के लिए कॉल करेंगे. तो क्या है ये मेंस, क्या है ये प्रीलिम्स, इन सारे विषयों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे. सेकेंडली, एक तो हमने देखा कि डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर पैटर्न और पेपर के अंदर भी प्री और मेंस के अंदर क्या एनालिसिस है क्वेश्चंस वाइज या सब्जेक्ट्स वाइज. सेकेंडली, अब हमारे मन में आता है कि क्या मैं अलाइड एग्जामिनेशन के लिए बना हूं या बनी हूं, या मेरे को एचएस की भी तैयारी कर लेनी चाहिए. बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है. तो मेंस की क्या हर व्यक्ति एचएस के लिए बना है, या कौन है वो व्यक्ति है जिसके लिए सेफ है कि अलाइड की तैयारी कर लेते हैं, फर्स्ट आई विल गेट अ जॉब क्योंकि मेरा शायद एकेडमिक उतना स्ट्रांग नहीं है, हाँ लेकिन मैं अलाइड तक तो पहुंच जाऊंगा विद इन अ ईयर, फिर मैं अलाइड में एक बार नौकरी पक्की करके फिर एचएस को परस्यू करूंगा. तो ये भी एक सेट ऑफ थॉट प्रोसेस हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने अपने पोटेंशियल को कितना सही से एनालाइज किया. दूसरा विद्यार्थी वो है जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, एनआईटी हमीरपुर से पढ़े हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, एकेडमिक शुरू से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत स्ट्रांग रहा, उसको लगता है कि मैं एचएस की तैयारी करता हूं या करती हूं, अगर एचएस नहीं निकला अलाइड तो एटलीस्ट श्योर हो जाएगा. तो जैसा कि मैं पर्सनल लेवल पे प्रमोट करता हूं कि प्रिपेयर फॉर एचएस एग्जामिनेशन, अलाइड एचएस के रास्ते में आने वाली एक सीढ़ी है, बस वो निकल जाएगा. लेकिन ये डिपेंड करता है कि विद्यार्थी का पोटेंशियल कितना है. अगर आपको लगता है कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल अलाइड का है तो गो फॉर ओनली अलाइड, डू नॉट गो फॉर एचएस. लेकिन अपने को पहचानते हुए, अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए, इस प्रकार से हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें एचएस की तैयारी करनी चाहिए, क्या अलाइड की तैयारी करनी चाहिए, और दोनों पेपर के अंदर कितनी ओवरलैपिंग है, कितनी सिमिलैरिटीज हैं और या कितने डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर भी एक अध्ययन कर लेंगे. तीसरी बात कि हम देखते हैं कि इस पूरी तैयारी को करने में क्या हमें कोचिंग करनी भी आवश्यक है या सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकल सकता है. जैसे रैंक वन है यामिनी ठाकुर, उन्होंने सेल्फ स्टडी से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया. शी हैज जस्ट टेकन द मेंस टेस्ट सीरीज फ्रॉम अस, बस मेंस टेस्ट सीरीज अलाइड के लिए, अदरवाइज पूरी तैयारी स्वयं उन्होंने करी है. ऐसे ही है रैंक 10 आकांक्षा, खुद तैयारी करी. रैंक 14 कार्तिक, खुद तैयारी करी. ठीक है, तो इन लोगों ने शिप्रा व्यास, बस ये हमारे साथ टेस्ट सीरीज में बाद में जुड़े थे, अदरवाइज इन्होंने अपनी पूरी तैयारी खुद करी है. तो मींस अलाइड की तैयारी घर बैठे भी हो सकती है, सेल्फ स्टडी के द्वारा भी हो सकती है. हम लोग भी आपको 1 अगस्त से नया बैच लॉन्च होगा वहां भी करवा सकते हैं.
तो मैं दोनों में डिफरेंसेस बता दूंगा, सेल्फ स्टडी में क्या प्रॉब्लम आएंगी या किस प्रकार से अगर घर बैठे भी करनी है तो हम फिर भी आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ करनी है तो हमारा एक सिंपल प्रोसेस होता है कि वी विल गो फॉर अ प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच, जिसमें क्लियर होने की संभावनाएं सेल्फ स्टडी से थोड़ी अधिक है। तो ये एक डिफरेंस है। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी अध्ययन कर लेंगे कि कैसे अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आज की रूपरेखा रहेगी कि मैं आपको ऑनेस्टली ये गाइड करूं कि अगर आपने एचएएस या सॉरी अलाइड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो अलाइड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए, पेपर के रिगार्डिंग, पेपर के लेवल के रिगार्डिंग। तीसरी बात, अगर आपने सेल्फ स्टडी से करना है तो आपको एक अच्छा सा मैं रास्ता दिखा दूं, रोड मैप बना दूं कि आप स्वयं भी अलाइड की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और कैसे हमारे इतने सारे फ्री इनिशिएटिव आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का मेरा जो मुख्य भूमिका रहेगी लेक्चर की, इसी के ऊपर निर्भर होगी। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द वेरी फर्स्ट पार्ट कि अब इस अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर मैंने बोला तीन स्टेज है। वैसे फर्स्ट स्टेज इज योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो आपके समक्ष दिख रहा है। प्रीलिम्स का मतलब होता है, जैसा मैंने बोला कि अगर 45,000 विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे या 50,000 भरेंगे, इन 45,000 में से लेट्स अज्यूम कि 100 वैकेंसी निकाली सरकार ने, तो सरकार बोलती है अगर 100 वैकेंसी निकली तो into 20 times बच्चे हम लेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। मींस 45,000 में से 2,000 विद्यार्थी इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो आप देखो, पहली स्टेज के ऊपर ही तकरीबन 43,000 एस्पिरेंट बाहर हो जाते हैं और 2,000 विद्यार्थी मेंस तक पहुंचेंगे। इन्होंने जिन्होंने मेंस लिखा, इनका एक प्रोसेस होता है लास्ट में जिसको बोला जाता है डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन में कई सारी चीजें देखी जाती है, आपका एकेडमिक भी देखा जाता है, आपने कोई सोशल सर्विस करी है, और मल्टीपल एट्रीब्यूट है कमीशन की वेबसाइट पे दिए हुए, उनके बेसिस पे आपको कुछ नंबर मिलते हैं। वो नंबर मिला के, आपके मेंस के मार्क्स मिला के, फिर एक कंबाइंड कट ऑफ बनती है जिसमें से 100 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सीट हमारे पास 100 ही थी। मीन्स 2,000 में से 100 विद्यार्थी फाइनली मार्क्स सीट्स होल्ड करने वाले या बेसिकली नौकरी पाने वाले। तो इस प्रकार से इसका थ्री स्टेज प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस एग्जाम है, और आपका फाइनली डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये एग्जाम को बोला जाता है इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। शब्द देखो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का क्या अर्थ है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे में करना है। ठीक है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे में करना है। नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविजन है कि नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से होगी, ठीक है, अभी इसमें डिटेल में देखेंगे। दूसरी स्टेज मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का क्या अर्थ है, जैसा कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है जिसमें हमने 3 घंटे का एग्जाम लिखना होता है, इस प्रकार से तीन एग्जाम मेंस के अंदर होंगे। प्रीलिम्स में एक एग्जाम 200 मार्क्स का, 3 घंटे का, मेंस के अंदर तीन एग्जाम में डिटेल क्या है, एक एग्जाम है हिंदी भाषा का। इसके बाद जो सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे उसमें एक वीडियो होगा जिसमें ईशा मैम है जिन्होंने हमारे साथ हिंदी भी पढ़ाई है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में हिंदी की वीडियोस को देख सकते हैं। उन्होंने पूरी अलाइड की हिंदी एक बार क्विकली रिवाइज करवाई है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं। तो पूरी जो भी अलाइड में आएगा उसकी एक वो एनालिसिस का वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे, जिसमें बताएंगे कि अलाइड में हिंदी को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सेम ऐसे ही हमारे पास एक इंग्लिश की मैडम है, उन्होंने इंग्लिश अलाइड में कैसे अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 150-150 मार्क्स के पेपर है मेंस के अंदर। आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा फेयर चांस है आपके सिलेक्शन का। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमें लगता है हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, लेकिन पेपर की डिमांड के हिसाब से नंबर लाना डिफरेंट है, इंग्लिश में बोलना और लिखना डिफरेंट है। सेम इज द केस विद हिंदी, हम हिंदी को बहुत लाइटली लेके चले जाते हैं। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको लगता है कि पूरी जिंदगी हिंदी में ही पढ़ा है तो शायद वो स्कोर कर लेंगे, लाइटली चले गए, कैजुअल एटीट्यूड से चले गए, मार्क्स नहीं आते। तो हमने देखना है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 45,000 में से फाइनली 100 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो हमने एक एक स्टेप पे बहुत सीरियसली पैर रखना है। ऑलराइट, थर्ड एस्पेक्ट होता है आपका जनरल स्टडीज का पेपर मेंस के अंदर, ये है 200 मार्क्स का पेपर। ये वही जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े थे,
ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में जाऊंगा कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जनरल स्टडीज में। मुख्य तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ, जिन्होंने काफी लोग हैं जो इस काफी समय से इस एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस बार कॉलेज पास आउट हुए या जिन्होंने अभी विचार ही बनाया है इस एग्जामिनेशन को परस्यू करने का। ऑलराइट, तो जनरल स्टडीज के अंदर मुख्य तौर पर जो सब्जेक्ट है, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस में प्रपोज है वो ब्रॉडली है मॉडर्न इंडिया, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आते हैं और 1857 की क्रांति के बाद के समय के ऊपर ज्यादा सवाल आएंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस में एक इंपॉर्टेंट एरिया है मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री। सेकंड, इसी हिस्ट्री में एक टॉपिक है गांधीयन थॉट। ध्यान से सुनिए, गांधीयन थॉट। गांधीयन थॉट मीन्स गांधी जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई, ठीक है, उनके कुछ विचार थे समाज के ऊपर, वीमेन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उन सारे विचारों का अध्ययन करना, साथ में गांधी जी के लाइफ से कुछ जुड़े हुए छोटे छोटे फैक्ट्स, जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, माता जी कौन है, पिताजी कौन है, कब कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया, साउथ अफ्रीका कब गए, हिंदुस्तान कब वापस आए, इस प्रकार के फैक्चुअल सवाल प्रीलिम्स में गांधी जी से रिलेटेड आते, तो ये भी हमने पढ़ना है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया एंड गांधीयन थॉट एक टॉपिक है। एक टॉपिक आप देखिए जी, ज्योग्राफी के ऊपर सवाल आते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। थर्ड एस्पेक्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी, हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम हमें पढ़ना है। फोर्थ पार्ट इज योर इकोनॉमी। तो ये चार टॉपिक हैं जिनको बोला जाता है जनरल स्टडीज। फिफ्थ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बोला जाता है हिमाचल जीके। ये प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में भी बहुत अच्छी वेटेज है। मैं दिखाऊंगा कि मेंस में ऑलमोस्ट हर साल 1/4 पेपर हिमाचल जीके का है जनरल स्टडीज में, कि मेंस में अगर 200 मार्क्स का जीएस है, जीएस इज जनरल स्टडीज, तो उसमें से तकरीबन 50 मार्क्स का हिमाचल जीके आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के जीके की जानकारी। प्रीलिम्स में 200 में से 60 क्वेश्चन हिमाचल जीके के, तो नियरली आप देखेंगे 1/3 वेटेज है। ऑलराइट, पूरे जनरल स्टडीज के इतने सब्जेक्ट जो मैंने लिखे एक्सेप्ट हिमाचल जीके, वो 80 मार्क्स के आएंगे, 80 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या टॉपिक है, इसको और विस्तार में देखते हैं। अब देखिए, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है आपके समक्ष। तीन एरियाज हैं प्रीलिम्स में जहां से सवाल आएंगे, कमीशन ने बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। 200 क्वेश्चंस, तीन टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा जी? पहला टॉपिक है एचपी जीके, जो कि मैंने बताया जिसमें से 60 क्वेश्चन आने वाले। दूसरा टॉपिक क्या है? मींस करंट अफेयर, सीए, जिसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे, एक साल का करंट। अगर पेपर इस साल दिसंबर में है, आपने पिछले साल दिसंबर से इस साल के दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर रट लेना है। हमारी वेबसाइट है civilstaffhimachal.com, वहां पे फ्री में पिछले साल से आज तक का सारा करंट अफेयर मंथली मैगजीन की फॉर्मेट में दिया हुआ है। साथ में आशीष सर रोजाना पिछले 2 महीने से आपको डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज भी कराते हैं। तो मींस करंट अफेयर हम बहुत विस्तार में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैसे ही कवर करके देते हैं। हिमाचल जीके के विशाल सर ने इस प्लेलिस्ट के अंदर सिविल स्टेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिमाचल जीके के 12 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हुए, तो वो भी आप वहां से देखते सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड एस्पेक्ट, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, हिमाचल जीके करंट अफेयर, थर्ड इज योर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के 80 सवाल आएंगे। जनरल स्टडीज के टॉपिक कौन से आपके समक्ष लिखे हैं? मॉडर्न इंडिया 1857 के बाद की बात, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम, गांधीयन थॉट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक आपके प्रीलिम्स के। तो मींस इन सारे टॉपिक से 80 सवाल बनेंगे। ऑलराइट, तो इनके ऊपर हमने क्या करना है? ज्योग्राफी, डिजास्टर, एनवायरमेंट, ये सारे एरियाज को कवर करना। अब मेंस में देखिए, अब इसी में, अच्छा अब देखिए कि इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन का पेपर दिखेगा। 200 मार्क्स आप देख सकते हैं मेरे समक्ष, 200 मार्क्स के 3 घंटे का पेपर है, 200 सवाल आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यदि कोई भी आंसर गलत करोगे 1/4 नंबर आपका कटेगा। ऑलराइट, कितने विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में? 20 टाइम्स जितनी वैकेंसी आएंगी, ये कमीशन ने खुद ही प्रपोज करके सिलेबस में प्रपोज करके डाला हुआ है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होगा, तीन पिलर, हिमाचल जीके, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मींस पूरे नेशनल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट।
हिमाचल जीके मींस हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, पॉलिटी ऑफ हिमाचल, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, तो ये सब हिमाचल के कंटेक्स्ट में आ जाता है। ऑलराइट, ये हो गई मोटी मोटी प्रीलिम्स की बात। अब प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है? बहुत लो कट ऑफ जाती है, सीट्स बहुत ज्यादा होती है, सरलता से ये पेपर क्वालिफाई होता है। जो 4 से 5 महीना भी तैयारी कर लेगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएगा। 200 में से पिछले साल की जो कट ऑफ है मैंने आपके समक्ष रखी, जनरल कैटेगरी की 87.25 मार्क्स थे, तो बहुत कम कट ऑफ है, इजीली आ जाते हैं इतने मार्क्स। एससी कैंडिडेट की 61, एसटी की 78, ओबीसी की 68, तो ऐसे अलग अलग कैंडिडेट्स की कट ऑफ दी हुई है। तो मींस ये पेपर है जो सरलता से क्लियर किया जा सकता है, प्रीलिम्स तो एटलीस्ट सरलता से क्लियर हो जाता है। अब आप देखिए, अब आती है बारी मेंस की। मेंस थोड़ा सा कठिन है, अलाइड का मेंस क्वालिफाई करना मुश्किल है। पिछले साल 2000 विद्यार्थियों में से मात्र 100 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, तो मेंस 1900 विद्यार्थी रिजेक्ट हो जाते हैं मेंस में। तो आप देखिए कि मेंस की क्या रूपरेखा है। सबसे पहले मेंस में 3 सब्जेक्ट, प्रीलिम्स के 3 सब्जेक्ट डिफरेंट थे, मेंस के 3 सब्जेक्ट इंग्लिश की ग्रामर और इंग्लिश भाषा का अध्ययन नॉलेज, ये आपके काम आएगी। 150 मार्क्स का पेपर है 3 घंटे का। सेम बिल्कुल एज इट इज हिंदी का, कि इसमें व्याकरण भी आएगी, एसे राइटिंग भी आएगी, प्रेसी राइटिंग भी आएगी, ट्रांसलेशन भी आएगी, दोनों के अंदर एक ही रूपरेखा है, बस भाषा का फर्क है। तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या इंग्लिश के हैं उनको इन दोनों टॉपिक के अंदर न्यूट्रल है, जिसका इंग्लिश मीडियम है उसको इंग्लिश में ज्यादा स्कोर मिल जाएगा, जो हिंदी माध्यम का है वो हिंदी में जबरदस्त स्कोर आएगा। डिसाइडिंग होता है जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में इंग्लिश माध्यम वाला इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी माध्यम वाला हिंदी में लिखेगा, ये डिसाइडिंग है, ठीक है। जैसे एचएस में मैं बोलता हूं, पिछले 3 साल में हिंदी मीडियम में सिलेक्शंस नहीं है, लेकिन अलाइड के अंदर हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शंस हैं, क्योंकि यहां पे केवल एक जीएस का मेंस का पेपर है, जिसमें थोड़े बहुत नंबर भी लाओगे, मींस थोड़े बहुत मींस कि 40-50% नंबर भी ले आओगे तो भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने देखना है जीएस को अब कैसे अप्रोच करना है मेंस के दृष्टिकोण में। प्रीलिम्स का तो जीएस मैंने बता दिया, मेंस में भी जो सिलेबस कमीशन ने आपके समक्ष दिया है ये मैंने रखा हुआ है। इंग्लिश का सिलेबस क्या है? बिल्कुल वही जो मैंने बोला, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर, सेम ऐसा ही हिंदी के अंदर। जो जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है मेंस के अंदर, ये वे ही सारे सब्जेक्ट है जो हमने प्रीलिम्स में पढ़े थे। मेंस के अंदर एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर हम अपनी क्लासेस में, जो कि हमारा अलाइड का बैच स्टार्ट हो रहा है 1st of August को, अगर हम अप्रोच करते हैं जनरल स्टडीज को, तो हमारी अप्रोच करने की क्या दृष्टिकोण होता है कि अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ाया तो मैंने हिस्ट्री प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया। हम थोड़ा हैवी पढ़ाते हैं अलाइड में, क्योंकि 2 साल पहले सिलेबस और पैटर्न बदले हैं अलाइड के अंदर। 2 साल पहले तक अलाइड के जो पेपर आते थे सरल आते थे, मेंस के बहुत आसान पेपर आता था। अब जो पेपर आते हैं अलाइड मेंस के, वो क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट एचएस के लेवल का होता है, इसलिए हम जब पढ़ाते हैं तो हम एक अपर लेवल पे पढ़ाते हैं। हम एचएस के लेवल पे ही आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एचएस के लेवल पे ही ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, हिमाचल जीके का मेंस पढ़ाएंगे पूरे एचएस के लेवल पे, ताकि आपका अलाइड आसानी से निकले। और हमें पता है मोस्टली जो बच्चा अलाइड देगा वो कल को नायब तहसीलदार भी देगा, वो कल को एचएस भी देगा, तो उसका एक साउंड बेस हम अभी से बना देंगे ताकि उसका अलाइड निकलना इजी हो जाए। एग्जांपल के तौर पे आकांक्षा रैंक 10 अलाइड, रैंक 5 एचएस, सेम लड़की ने एचएस भी दिया, शिप्रा सेम एचएस भी देंगी, तो जितने भी हमारी अलाइड के सिलेक्शन हैं वो कल को एचएस भी देंगे। उनका अलाइड निकला ही आसानी से इसलिए था क्योंकि वो एचएस के मेनली तैयारी एचएस की करते थे। मींस कि अगर अलाइड का जीएस भी निकालना है, देखो प्रीलिम्स में पहले कहता हूं आप स्वयं भी पढ़िए, ल्यूसेंट की किताब पढ़िए, थोड़ी बहुत मैं किताबें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट बुक लिस्ट बता दूंगा, उनसे आपका पेपर निकल जाएगा प्रीलिम्स। मेंस के अंदर निकलना थोड़ा टफ होता है, कवरेज ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टेस्ट को मेंस का पेपर लेंथी होता है, 3 घंटे में उस पेपर को खत्म करना इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क, तो हमें टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है। ऑलराइट, तब जाके हमारी रैंक कन्वर्ट होती है, तो इस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। ऑलराइट, चलिए जी, जैसे अब मैं मेंस की कट ऑफ की बात करूं, यामिनी रैंक 1, इनके मार्क्स देखिए कितने बेहतरीन मार्क्स आए। इनके टोटल मार्क्स हैं मेंस में आउट ऑफ 500 कैसे बना था कि 150 मार्क्स का इंग्लिश,
150 मार्क्स का हिंदी और 200 मार्क्स का जीएस। अब इनके मार्क्स देखिए कितने अच्छे आए हैं कि इनके कट ऑफ 226 से बहुत ऊपर है, तकरीबन 300 मार्क्स हैं तो 75 नंबर ऊपर आ गए इनके। ऑलराइट, हिंदी के जीके के अंदर 91, हिंदी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं 104, इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं 104। तो मींस तकरीबन अगर आपके 100 के आसपास 90-100 की रेंज में आ रहे हैं, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमने जस्ट कट ऑफ नहीं क्लियर करनी, आप 226 का टारगेट लगाओगे तो 226 मींस कि आपके 2000 विद्यार्थियों के ऑलमोस्ट इतने मार्क्स आए। तो मींस हमें कट ऑफ से 30-40 मार्क्स ज्यादा ही लाने हैं। तो अगर किसी को शॉर्टी चाहिए अलाइड को क्लियर करने की, 270 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। तो 270 कब आएंगे, जब हमारे तीनों के अंदर जीएस सी और हिंदी इंग्लिश तीनों में 90-90 आएंगे। तो मिनिमम 90 को हमने टारगेट करना कठिन होते हैं, 150 में से 90 मार्क्स लाना कठिन है, 200 में से 90 मार्क्स लाना कठिन है, रैंक 1 के 91 आएंगे आप देखिए। ठीक है, तो मींस चैलेंजिंग टास्क है, उतना सीरियसली तैयारी करनी है, चाहे गाइडेड करो चाहे कहीं से कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी या कोचिंग कहीं से भी करो लेकिन सीरियसली करो। चलो जी, अब मैंने मेंस को बहुत डिटेल में एनालाइज किया, पिछले 2 साल के जो मेंस के पेपर हैं, जब से पैटर्न बदला, पहली बार जब मेंस का पेपर आया 2019 की बात है, 34 सवाल आए मेंस में, 3 घंटे में 34 सवाल करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो 3 घंटे में 34 सवाल आए। उन 34 सवालों का बाइफर्केशन आपके समक्ष है, 3 घंटे का पेपर था, 200 मार्क्स 34 सवाल, 3 सेट हैं, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, आप देखेंगे मेरे समक्ष 3 मार्क्स का सवाल है, एक सवाल है 5 मार्क्स का, एक सवाल है 10 मार्क्स का। मींस कि क्वेश्चन के 3 डिवीजन है, छोटा सवाल 3 नंबर, थोड़ा बड़ा सवाल 5 नंबर और बड़ा सवाल 10 नंबर। ऐसा ही पिछले साल 2020 में जब पेपर सेट किया, इन्होंने 34 सवाल नहीं डाले इस साल डाले 30 सवाल 3 घंटे के अंदर। इस बार मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दिए, मींस कि 4 नंबर का भी सवाल डाला, 8 नंबर के डाले, फिर 8 नंबर के डाले, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन 4, 8, 8 और 30 सवाल पूछे, 10, 10, 10 क्वेश्चन। तो मींस की सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा जब अलाइड का मींस लिख रहे हैं, हो सकता है अगले साल 25 सवाल आ जाए या हो सकता है 40 आ जाए। तो हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं कि पेपर देख के घबरा गए, हमें इस तैयारी और स्पीड को बना के जाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज एंश्योर करती है हर चीज आपको बाय हार्ट याद हो, एवरीथिंग शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, और जैसे ही पेपर दो आप लिखना चालू करो, और अगर 40 सवाल है तो आपकी स्पीड 40 के मुताबिक हो जाए, अगर 20 सवाल है तो आपकी स्पीड 20 के मुताबिक। तो मींस आपको अपनी स्पीड को रेगुलेट करना आना चाहिए। वो कब होगा, जब आपने पेपर से पहले जाके 1000 सवाल लिखे हुए हैं टेस्ट सीरीज के द्वारा, चाहे हमसे लो या कहीं से भी लो, लेकिन लिखो जरूर, लिखे बिना सिलेक्शन होने के चांसेस घट जाते हैं। ऑलराइट, तो इस हिसाब से हमने मींस को फोकस करना है। अच्छा जी, अब मैंने एक एनालिसिस किया है पिछले 2020 के पेपर में और 2019 के पेपर में, अलग अलग पोर्शन से कितने सवाल आए। देखिए, सब्जेक्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया, मॉडर्न इंडिया एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिमाचल जी के, ज्योग्राफी। 2019 में 23 नंबर का मॉडर्न इंडिया आता है, 16 नंबर की पॉलिटी, 53 नंबर का इकोनॉमिक्स, 55 की हिमाचल जी के और ज्योग्राफी 26। हिमाचल जी के पिछले साल 40 नंबर, इकोनॉमी 40 नंबर, 30 नंबर की पॉलिटी, 56 नंबर का मॉडर्न इंडिया। मींस जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट दोनों साल एक बराबर मार्क्स का आए, तकरीबन एक रेंज है। रेंज कितनी है हम देखते हैं, 30 से 50 की रेंज में तो हर एरिया से सवाल पूछे जाएंगे। मींस हमने सारे पहलुओं को अच्छे से तैयार करना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी एरिया को छोड़ने का, क्योंकि मिनिमम 30-35 नंबर का तो वो आएगा, और हम छोड़ के चले गए जी इकॉनमी, और वहां पे इकॉनमी उस साल किस्मत खराब थी 55-60 मार्क्स का आ गया, हमें इकॉनमी ले डूबेगा मेंस में। तो मींस आवर प्रिपरेशन शुड बी, मार्क माय वर्ड, बैलेंस्ड प्रिपरेशन। तो बैलेंस के साथ अपन लोगों ने तैयारी करनी। ऑलराइट, दूसरी बात, अब हमने ये देखना है कि कभी भी प्री और मेंस को अलग ना करें। हिमाचल के अंदर मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, मेरी लगातार ऑब्जर्वेशन है, हम बहुत शॉर्ट टर्म तैयारी को लेकर चलते हैं, पूरा हिमाचल का बच्चा केवल प्रीलिम्स की तैयारी करता है, इसलिए प्रीलिम्स बहुत सारी बार, काफी सारे बच्चे जिनका हर साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करते, ना एचएस के अंदर ना अलाइड के अंदर, वो इसलिए क्योंकि शुरू से तैयारी में कमी रही। अगर आप आज ग्रेजुएट हो गए उनके पास जाएंगे, वो आपको भी गलत गाइड करेंगे, वो कहेंगे प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, मेंस बाद में कर लेना जब प्रीलिम्स हो जाए। ऐसे विद्यार्थी
90% केसेस के अंदर या 95% केसेस के अंदर कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ये क्या करेंगे, 4-5 साल प्रीलिम्स में एनर्जी लगाने के बाद थक जाएंगे, कोई और नौकरी ढूंढ के नौकरी करेंगे। ऑलराइट, ये आपको भी इसी राह में ले जाएंगे। तो जो स्मार्ट बच्चा है, अभी कॉलेज पास आउट हुआ है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, होलिस्टिक प्लान बनाओ प्री और मेंस का, कि जिस साल प्रीलिम्स निकले उसी साल मेंस भी क्वालिफाई हो जाए। तो हमारा प्लान इसी हिसाब से होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सारी रूपरेखा है अलाइड एग्जामिनेशन की। इसके अलावा अब हम आपकी कैसे हेल्प, अच्छा एक बड़ा सवाल जो मैंने आपको बोला था कि अलाइड की तैयारी करें कि एचएस की करें, तो मैंने बताया अलाइड और एचएस में फर्क क्या है। सबसे पहले एचएस का जो मेंस है उसके अंदर एक बड़ा हेवी सब्जेक्ट है जिसको बोला जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपके समक्ष लिखा हुआ है एचएस के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। एचएस के अंदर सी सेट भी होता है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश अलाइड में पढ़ ली, यहां पे मैथ्स और रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। एचएस के अंदर एक इंटरव्यू स्टेज है, आपको अपने को इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। एचएस का जो जीएस है, अलाइड में आपने देखा एक ही जीएस का पेपर था 200 मार्क्स का, एचएस के अंदर 200-200 मार्क्स के तीन जीएस हैं। लेवल जीएस के क्वेश्चन का अलाइड से ऊपर है और दायरा भी बड़ा है, तो मींस कि एचएस के को कवर करना अलाइड से कठिन नहीं, बहुत कठिन है। सीट्स अलाइड के मुताबिक 1/5 है, अलाइड में 100 आएंगी तो एचएस में 15-18 ही आएंगे, तो मींस अलाइड जल्दी निकल सकता है, वैकेंसी ज्यादा है, पेपर सरल है, मेहनत मारोगे, तीन सब्जेक्ट ही पढ़ने, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज, क्वालिफाई कर जाओगे। एचएस के अंदर दायरा ज्यादा है, समय ज्यादा लगेगा, तो हर व्यक्ति अपने समय, अपनी आर्थिक परिस्थितियां के मुताबिक, अपने पोटेंशियल के मुताबिक निर्णय ले कि पहले एचएस करना है कि पहले अलाइड करना है। जिसको पता है कि पेरेंट्स 3 साल सपोर्ट कर देंगे, पोटेंशियल मेरे अंदर जबरदस्त है, अच्छी कोचिंग भी मिलेगी, तो मैं 3 साल लगा के एचएस निकाल लूंगा, वो एचएस करें। जिसको लगता है यार ज्यादा से ज्यादा 1 साल का पेशेंस है, इतना ही पढ़ सकता हूँ, पूरी जिंदगी भी ज्यादा नहीं पढ़ा, हाँ अलाइड निकाल दूंगा 1 साल में, या निकाल दूंगी, अलाइड पकड़ लो, अलाइड कर लोगे, उसके बाद एचएस की तैयारी करते रहो, एक जॉब को सिक्योर कर लो। ऑलराइट, दूसरी तरफ अलाइड के अंदर क्या है कि मेंस रिलेटिवली इजी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, एससी का कोई अलग से पेपर नहीं है, तो इतने से में ही अलाइड का काम चल जाएगा। ऑलराइट, अच्छा अब एक हमारे मन में बड़ा सवाल आता है, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं हर बच्चा कोचिंग के लिए नहीं बना, हर बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए भी नहीं बना। हिमाचल में बहुत कल्चर है सेल्फ स्टडी का, कई सारे कारण हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कोचिंग, फिजिकल कोचिंग नहीं थी, इसलिए घर पे लोगों ने खुद तैयारी करना शुरू किया। हम आपको काफी हद तक सेल्फ स्टडी में सपोर्ट कर देंगे। हमारी जो अगली सीरीज ऑफ वीडियो है वो आएगी बुक लिस्ट डिटेल में, दूसरी है करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, फिर आएगी कि आपने हिंदी और इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है, ताकि अगर आप घर पे बैठे भी तैयारी करें हम आपको फेयरली गाइड कर देंगे, आप तैयारी कर लीजिए। ये सब गाइडेंस के बाद भी कुछ व्यक्ति गाइड पढ़ाई नहीं कर पाते, कारण है डिसिप्लिन की कमी होना, कंसिस्टेंसी की कमी होना, या किसी जॉब में होना जिसकी वजह से उतना समय नहीं है कि सेल्फ स्टडी कर पाए। तो कोचिंग आपके थोड़े समय को बचा देगी, कोचिंग मींस मैं इधर केवल हमारी बात कर रहा हूँ, थोड़ा हम आपका समय बचा देंगे। क्वालिटी ड्रिवन लेक्चर्स, क्वालिटी ड्रिवन नोट्स हमारे होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, रेगुलर क्लासेस हैं जो डिसिप्लिन को एंश्योर करेगी, 5 महीने में पूरी अलाइड के सिलेबस को वाइंड अप कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप कोचिंग भी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के कुछ फायदे क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा जरूर बचाएगी, केवल किताबों का खर्चा है, घर पे रहोगे कोचिंग करने, अलाइड की शिमला जाओगे चंडीगढ़ जाओगे, कम से कम 50,000 अलाइड की कोचिंग की फीस, वहां पे 1 साल रुकने की फीस 1,00,000 रुपए, 1.5 से 2 लाख की अलाइड की कोर्स का पैसा बचेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा खुद तैयारी करते हैं टाइम अधिक लगता है, क्योंकि सारी किताबें स्वयं पढ़नी है, सारे नोट्स अपने हाथ से खुद बनाने हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन प्रोसेस पैसे को बचाता है। मेन बात क्या है, लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी है, मेंस अलाइड की तैयारी स्वयं नहीं हो पाती, मेंस के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को यदि देखें थोड़े पेचीदा है, मैंने बोला एचएस के लेवल पे जा रहे हैं। दूसरी बात, अलाइड का पैटर्न चेंज हुए, 2 साल दूसरा साल है, इस बार अलाइड आएगा 3रा साल हो जाएगा, हर साल पेपर का लेवल गवर्नमेंट बढ़ाती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया बच्चे अब ढलते जा रहे हैं पुराने पैटर्न, तो लेवल बढ़ेगा, इस साल तैयार रही है अलाइड, पूरा एचएस के लेवल पे जाएगा, तो मींस मेंस को प्रिपेयर करना टफ है, प्रीलिम्स आप घर बैठे भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी कमी जो आती है सेल्फ स्टडी में, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी आती है, कि रोजाना 10 घंटे पढ़ना है नहीं हो पाता, कभी किसी की शादी, कभी कोई त्योहार,
हिमाचल में रिश्तेदार पूरे दिन चले रहते हैं, मीन्स की तैयारी में कंसिस्टेंसी रह जाती है, घर बैठे इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, रियल कंपटीशन का पता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमारे आसपास दो तीन लोग तैयारी कर देते हैं, तो हमें एग्जैक्टली किस लेवल का कंपटीशन है उसके बारे में पता ही नहीं चलता। ऑलराइट, दूसरी तरफ गाइडेड में केवल मैं हमारी बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, हम प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच से चलेंगे, क्वालिटी ड्रिवन मटेरियल होगा, क्वालिटी ड्रिवन नोट्स होंगे, रेगुलर क्लासेस होंगी, इनकी कुछ हम पैसा लेंगे। जनरली अभी हमने सोचा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज होते हैं, तो इसकी फी भी अफोर्डेबल ही रखी है, 12,500 रुपए इसकी फी रखी है। ऑलराइट, लेकिन निर्णय आपका है, आपने किस तरफ जाना है, हमने आपको सेल्फ स्टडी में भी सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करना है। अब हमारे कुछ डिसीजन इनिशिएटिव हैं जो आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प करते हैं, वो डिसीजंस क्या है, इनिशिएटिव क्या है। सबसे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने बताया आपको कि इस पूरे एग्जाम में या एचएस के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रणनीति बनाना। मैंने बहुत सारे सेशन स्ट्रेटेजी के ले लिए हैं, आगे भी लूंगा, एलआईडी के लिए स्पेशल लूंगा, अभी तक एचएस के लिए लिए थे, अब एलआईडी के लिए भी लूंगा। एक आज का सेशन हो गया, अगला सेशन की करंट अफेयर कैसे पढ़े, हिंदी को कैसे पढ़े, ईशा मैम लेंगी, इंग्लिश को कैसे पढ़े, एक और मैम है हमारे पास, वो लेंगी सेशन, ठीक है। तो ये सारे सीरीज ऑफ सेशन हम लोग आपके साथ कंडक्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे स्ट्रेटेजी में। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं, जैसे रैंक 1 है, यामिनी है, शिप्रा है, आकांक्षा है, ऐसे बहुत सारे टॉपर हैं, उन्होंने कैसे तैयारी करी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अनबायस्ड वे में हमारे साथ शेयर किया जो हमने आपके लिए डाला हुआ है, उनके इंटरव्यूज, उन इंटरव्यूज को देख के अपनी एक रणनीति बना लो, हर एस्पिरेंट के साथ आप लिंक कर पाओगे तो उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बना लो। ऑलराइट, फिर मैंने बताया कि करंट अफेयर के 60 सवाल प्रीलिम्स में आएंगे, वो 60 सवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, डेली करंट अफेयर आशीष सर पढ़ाएंगे आपको शाम को 6 बजे। ऑलराइट, हमारी वेबसाइट के ऊपर रोज करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड 10 MCQ रोज आपको मिलेंगे। हमारी ऐप को डाउनलोड करो, सिविल स्टैट हिमाचल, वहां पे आपको मंथली मैगजीन करंट की जरूर मिलेगी जो एलआईडी में काम आएगी, उस मैगजीन को डाउनलोड करो, उसके अंदर एमसीक्यू में प्रैक्टिस के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको हेल्प करते हैं। मैंने बताया था हिंदी, ईशा मैम ने फ्री ऑफ कॉस्ट अलाइड की रिवीजन एक बार हमने करवाई थी, उसकी 21 वीडियोस बनी हुई है, अगर आपको घर बैठे हिंदी की भी तैयारी करनी है तो यहाँ पे हमारे पास उसका प्रोविजन है। अच्छा जी, ये जो मैंने बातें बोली ये आपके सामने टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये आपके सामने हिंदी की प्लेलिस्ट है, ये आपके डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप देखेंगे सीरीज ऑफ टॉपर, कितने सारे टॉपर्स यहाँ जुड़े जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेटेजी बनाने में। लास्ट पार्ट हिमाचल जीके, आपको पता है 60 नंबर का प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में भी हिमाचल जीके आता है 40 से 50 55 नंबर का, उस हिमाचल जीके को फ्री ऑफ कॉस्ट विशाल सर ने पढ़ाया। ऑलराइट, प्रीलिम्स के लेवल का है, मेंस के वीडियोस पेड है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाले, तो मेंस काफी हद तक हम आपको सपोर्ट कर देंगे लाइट के। ऑलराइट, चलो थैंक्स अलॉट, इसके अलावा किसी भी कोई इंक्वायरी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखा है, वहां पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, सुबह 9 या 10 बजे के बाद ही कीजिए, शाम को 6 बजे के बाद ना कीजिए, ठीक है। तो 9 से 6 के बीच में ही आप मेरे को मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक्स अलॉट।